खत्म हुआ कर्मचारियों का इंतजार। जारी हुई डीए की अधिसूचना। पेंशनर को अभी करना होगा इंतजार। 3% डीए की जारी हो गई अधिसूचना। मुख्यमंत्री ने भी दी थी जानकारी। 15 अप्रैल की घोषणा के बाद कर्मचारी कर रहे थे डीए का इंतजार। शिमला में चुनाव के चलते नहीं हो पा रही थी अधिसूचना। सरकार ने चुनाव आयोग से मांगी इजाजत। चुनाव आयोग ने दी डीए जारी करने की अनुमति। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद आज 3% डीए की अधिसूचना जारी हो गई। हालांकि पूरे हिमाचल में सैलरी बिल बन चुके हैं, अब ऐसी स्थिति में कैसे कर्मचारियों को 3% डीए का लाभ इस महीने की सैलरी के साथ मिल पाएगा, ये अभी देखने वाली बात है। आज यानी कि 27 अप्रैल को 3% डीए की अधिसूचना जारी हो गई है। आइए देखते हैं कि इस अधिसूचना में क्या कहा गया है। 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पीति से 3% डीए की घोषणा की थी। वैसे तो कर्मचारियों का 11% डीए बकाया है, लेकिन अभी कर्मचारियों को 3% डीए ही मिल पाएगा। ये डीए 1/1/2022 से कर्मचारियों को दिया जाएगा। अब पहले जहां 31% डीए कर्मचारियों को मिल रहा था, अब उन्हें 34% डीए मिलेगा। हालांकि अधिसूचना में कहा गया है कि ये डीए अप्रैल की सैलरी में मिलेगा, जो मई में खाते में आ जाएगी। लेकिन अभी पूरे हिमाचल में सैलरी बिल बन चुके हैं, और ऐसी स्थिति में कैसे 3% डीए का लाभ इस महीने की सैलरी में कर्मचारियों को मिल पाएगा, इस पर अभी असमंजस है। हालांकि अगले महीने की सैलरी में जरूर 3% डीए का लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। वहीं यदि बात करें डीए की एरियर की, तो इस बार कैश में डीए केवल उन्हें ही मिलेगा जो कर्मचारी इस बीच रिटायर हुए हैं या जिनके जीपीएफ खाते अब बंद है। लेकिन इसके अलावा डीए का एरियर सभी एनपीएस व ओपीएस कर्मचारियों को जीपीएफ खाते में ही मिलेगा। हालांकि एनपीएस कर्मचारियों के जीपीएफ खाते अभी नहीं खुले हैं। ऐसे में अगले महीने में यदि जीपीएफ खाते खुलते हैं, तो ही एनपीएस कर्मचारियों को जीपीएफ खाते में डीए का एरियर मिल पाएगा। और यदि जीपीएफ खाते नहीं खुलते हैं, तो ऐसे में एनपीएस कर्मचारियों को डीए के लिए इंतजार करना होगा।